फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्म जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। हाल ही में रजनीकांत की तलाकशुदा बेटी ऐश्वर्या ने नया घर खरीदा है, जिसकी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए उन्होंने अपने पिता, अपनी माँ लता और दोनों बेटों का वेलकम किया है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने अपने पुराने घर को छोड़ के अब अपना एक नया घर खरीदा है, जो कि सी फेसिंग घर है, जहां से उनके घर के बाहर से समुद्र भी दिखाई देता है। इसमें उन्होंने बहुत डिसेंट से कलर्स का यूज़ किया है, चटकीले कलर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। रजनीकांत ने जब अपनी बेटी का नया घर देखा तो उस घर को देखते ही रजनीकांत ने उनके घर की खूब तारीफ की और उनके घर का हर एक कोना देख के उन्हें गले लगाया और कहा कि ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या, जो कि 18 साल से धनुष के साथ शादी में थी, 18 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और धनुष से अलग होने के बाद पिछले 2 साल से दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब उनकी बेटी, जो कि पहले अपने पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब वहीं रजनीकांत की बेटी ने नया घर खरीद के एक अपना नया आशियाना। ऐश्वर्या ने धनुष के साथ अपना रिश्ता काफ़ी लंबा निभाया, लेकिन आखिरकार दोनों अलग हो गए। अब अपनी बेटी को नए घर में देख के रजनीकांत। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक